मूक बधिर समाचार। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। अलग अलग बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। वहीं 6 फरवरी को होने वाले 3 घंटे के चक्का जाम को लेकर किसान संगठन आज बैठक कर रहे हैं। इसमें देशव्यापी चक्का जाम की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। हालांकि किसान संगठनों ने राजधानी दिल्ली को चक्का जाम से अलग रखा है, लेकिन एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। यूपी विधान परिषद के नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, रिटायर्ड आईएएस एके शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को शपथ दिलाई गई। सभी सदस्यों को प्रोटेम सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई और इससे पहले मानवेंद्र सिंह और सपा एमएलसी अहमद हसन को 31 जनवरी को शपथ दिलाई गई। वहीं सपा एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने अभी तक शपथ नहीं ली है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार के आगामी बजट को लेकर जानकारी दी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि नए साल के पहले महीने में योगी सरकार ने बंपर कमाई की है। सरकार को 12,770 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि पिछले साल जनवरी में 9,921 करोड़ का राजस्व सरकार को हासिल हुआ। वहीं सरकार को जनवरी में जीएसटी से यूपी सरकार को 4,291 करोड़ राजस्व मिला, तो वहीं जनवरी में वैट से 2,235 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ। पंजाब की जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामे में यूपी सरकार की याचिका खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी की खराब सेहत का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि मुख्तार अंसारी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्किन एलर्जी से पीड़ित है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। उत्तराखंड में 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। प्रदेश के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। फरवरी की शुरुआत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और प्रदेश में अलग अलग जगहों से बर्फबारी हो रही है। टिहरी में बर्फबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा जोशीमठ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहां पर बद्रीनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फ जम गई है। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर से बद्रीनाथ धाम में नर नारायण, नीलकंठ और सतोपंत समेत कई चोटियां बेहद सुंदर दिखाई दे रही हैं।